सील बताता हूँ, पंच सील तक हम जरूर बताते हैं कि पंच सील में पांच सील में पांच सील एक भी तक पालन कर दिया तो जीवन आत्मा के लिए पहले तो लोगों ने काफी दूर पैदा किया प्रार्थना में एक अच्छी के ऊपर बाकी है। तो मैंने एक लोगों को बताया जीवन का पास किया मैंने खुद साथ लोगों पंच सील से बारे में वो इस बात को पत्ते बहुत खुश हैं और जब जल से मेरे गुरुजी जो कि श्रीलंका के गलगेदर गांव में जन्मे मुद्यान से दिशानायक के सुपुत्र के रूप में वहां उनका नाम भंडार भंडार मुद्यान से दिशानायक था। 13 साल के अवस्था में हमारे गुरु के गुरु भदंत बोधानंद के बुलावे पर महाबोधि सोसाइटी के द्वारा श्रीलंका से यहाँ पर आए। 1941 में इस बुद्ध विहार में आए। 42 में उनकी बुद्ध पूर्णिमा के दिन भदंत बोधानंद जी के सानिध्य में उन्होंने प्रवज्ञा की जिनमें भदंत आनंद कौशल्यायन और महानाम भिक्षु उपस्थित थे। तब से वो यहीं पे रहे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए श्रीलंका में पढ़ाई करने के लिए गए भी वहाँ त्रिपिटकाचार्य की डिग्री प्राप्त की। साथ में वहाँ पर वो कुछ दिनों के लिए टीचर हिंदी के टीचर के रूप में अपॉइंटमेंट भी हुए। फिर उन्होंने वहाँ पढ़ाया नहीं बल्कि उसको छोड़ करके यहीं हमारे अपने गुरुजी के पास में आ गए और उनकी सेवा की। हमारे गुरुजी के जो गुरुजी उनका 11 मई 1952 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हावड़ा कलकत्ता में उनका निधन हो गया तब वो यहाँ के सर्वे सर्वा बने। इस बीच में उससे पहले अप्रैल में 1948 में बाबा साहब यहाँ पर आए। उसके बाद 51 में बाबा साहब आए जो कि बाबा साहब हमारे गुरुजी बहुत प्रभावित थे उनके द्वारा वो दीक्षा लेना चाहते थे। चूँकि गुरुजी का निधन हो गया तब बाबा साहब ने उनके स्थान पर भरपाई करने के लिए हमारे गुरु गलगेदर गा प्रज्ञानंद जी को 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध दीक्षा के समय पर आमंत्रण किया। तब हमारे जो गुरु बताते हैं वो 13 अप्रैल की रात को जब वहाँ होटल में सारे भिक्षु लोग रुके थे उन्होंने सारे संसार के लोगों के लिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पूरी रात में प्रतिकाण किया और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब को दीक्षा दी। उसके बाद हमारे गुरु जी हर पूरे देश में विशेषकर पंजाब में महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में और बिहार में मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ जो आजकल छत्तीसगढ़ कहते हैं इनमें घूम घूम कर उन्होंने बहुत दीक्षाओं का प्रोग्राम किए बहुत प्रवचन किए लोगों को जीने की जीवन कला सिखाई है कि किस तरह से लोग जिए जिससे उनका अपना कल्याण हो सके। हमारे गुरु जी ने यहाँ से 63 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है जिसमें बौद्ध साहित्य बाबा साहब का साहित्य प्रमुख है जिससे लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा है। और हमारे कहने पर हमारे गुरु जी ने इस बिहार की जो जीर्णोद्धार की बात हमारे कहने पर उसकी स्वीकार की और हमारे साथियों ने भिक्षु गुरुभाइयों ने और हमारे गुरु जी के जितने उपासक उपासिकाओं ने मिलकर इसको इतना भव्य रूप दिया। परंतु कुछ दिन से पहले 26 तारीख से पहले हमारे गुरु जी बिल्कुल ठीक थे। हम लोगों को कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। अचानक 25 तारीख को शाम को उन्होंने खाना थोड़ा कम किया तो हम गुरु भाई दोनों लोग थे साथ में जो लड़का थे वो भी थे तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि मौसम का परिवर्तन है तो हम लोगों ने खिलाया भी अपने हाथ से हम लोग खिलाते भी थे तो नहीं खाया तो हमने सोचा हो सकता है मौसम परिवर्तन कोई बात नहीं है। परंतु मुझे कानपुर जाना था मैं सुबह निकल गया हमारे गुरु भाई ने हमको फ़ोन किया कि गुरु जी ने आज भी अभी खाना नहीं खाया। हमने तुरंत कहा डॉक्टर को फ़ोन करो
इन्होंने फ़ोन किया, मैंने भी डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, एक डॉक्टर सर्वेश हैं जो हमारे गुरु जी की परमानेंट देखभाल कर, वैसे तो मेडिकल कॉलेज का चलता ही था परंतु गुलाबी पर जो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं जबकि सरकारी नौकरी है, फिर भी गुरु जी पर श्रद्धा भाव कारण वो तुरंत आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा फीवर है और कुछ कंजक्शन लगता है, परंतु देखा फीवर के लिए कुछ खाने के लिए कहा, पर गुरु भाई ने कहा खिलाना चाहा तो नहीं खाया, जब नहीं खाया तो डॉक्टर साहब ने हमसे फिर बात की, कहा भंते गुरु जी खा नहीं रहे हैं तो हमने क्या करें, तो कहा हो सकता है कि ऐसा करो भर्ती करा देते हैं, कहा हमने कहा भर्ती करा, उस दिन बोटिंग भी थी लखनऊ में, लखनऊ में बोटिंग होने कहा जब एम्बुलेंस नहीं मिली, मैं कानपुर से भाग के तुरंत आ गया, एम्बुलेंस नहीं मिली, 5:30 बजे तक एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं हुई, 5:30 बजे बाद एम्बुलेंस व्यवस्था हुई, हम तुरंत उनको मेडिकल कॉलेज में लेके गए, वहाँ पर तुरंत इमरजेंसी में ट्रामा सेंटर में भर्ती किया, ट्रामा सेंटर में भर्ती किया तो कहा कोई वो नहीं है, देखते रहे, तो परंतु गुरु जी बाबा साहब के दीक्षक से मौजूद थे, वहाँ के जो सीमत साहब हैं उन्होंने हमारे गुरु जी की शादी कराई थी, और मेडिकल में करीब 60-70 ऐसे प्रोफेसर लोग हैं जिनको ने गुरु जी ने जिनकी शादी कराई, जिनका कुछ न कुछ किया, उसके कारण उन लोगों ने तुरंत गुरु जी को बीआईपी ट्रीटमेंट दिया और कहा आईसीयू में भर्ती कर। अच्छा तो ये बताइए कि अभी अभी और कितने दिन जो है अभी ये इनका वो रखा जाएगा? हाँ, जो है ऐसा है हमारे गुरु जी राजकीय सम्मान पूरे देश विदेश में है जी, और सब लोग आ रहे, कल ही हमारे गुरु जी के जो भतीजी थी वो लोग आए थे, श्रीलंका से लोगों का वीजा की समस्या है, जितने विदेशी लोग हैं सबको वीजा तुरंत नहीं मिलता है, तो वहाँ से फोन आ रहा है कि भक्ते वीजा ले रहे हैं, कोई कह रहा है हम कल आ रहे हैं, कोई कह रहा है। तो माननीय सीएम जी योगी जी ने भी जो है कहा गया है कि राजकीय सम्मान के साथ जो है इनकी अंत्येष्टि की जाएगी जी, तो उसकी वजह से हम लोगों के जानने वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम गुरु जी का अंतिम संस्कार 17 तारीख को करेंगे, उसका कारण भी क्या है कि हमारे गुरु जी का जन्मदिन 18 दिसंबर है, हम 17 तारीख को उनका अंतिम संस्कार श्रावस्ती में करेंगे, जिससे 18 दिसंबर को जो हमने 500 कर्म से बड़े बड़े पूरे देश और विदेश के बुला रखे हैं, हम उनको अपने गुरु जी के उद्देश्य से महासंगदान देंगे। चलिए धन्यवाद, अपना नाम बता दीजिए और गुरु जी बताइए कि मेरा नाम बच्चे सुमन रतन। हाँ, हम लोग गुरु जी की सेवा में निरंतर कई वर्षों से 10-12 साल से हम लोग सेवा में हैं, वैसे तो हम 18 साल हो गए हैं गुरु जी के साथ में रहते हुए, और जैसा कि जब गुरु जी कहीं जाते थे तो हमने देखा है कि जब चलने लायक गुरु थे तो रात दिन वो चलते रहते थे, कहीं कलकत्ता, कहीं महाराष्ट्र, कहीं बम्बई, इतना दीक्षा का कार्यक्रम करते थे कि उनको बैठने का कोई समय नहीं था, हम लोग कहते थे कि पता नहीं कितनी देर में गुरु जी आएंगे, हम लोग उसके इंतजार में बैठे बैठे यहीं पर, ये बिहार था ये पुराना पहले, तो उसी में हम लोग बैठे बैठे नींद में ऐसे सो जाते थे, जब कहते घंटी बजेगी तो गुरु जी आएंगे तो जगाएंगे, तो हम लोग इंतजार में काफ़ी देर तक बैठे थे, जब ज़्यादा बीमार पड़े तो उसमें हम लोग खाना पीना रहना सारी व्यवस्थाएँ हम लोग गुरु जी को, हम लोग जैसे बच्चों को नहीं खाना खिलाते हैं तो रोटी जो होती है मीज के दाल में डाल करके उनको खिलाते थे, क्योंकि दांत भी उनके नहीं रहे, दांत भी ख़त्म हो गए थे, तो हम लोग उनको रोटी उसमें मीज के और दाल में डाल के उनको खिलाते थे। अभी कई दिन से उनको परेशानी, जैसा बंदी जी ने कहा कि बहुत परेशानी हुई, तो उसमें क्या होता था ठंडी के समय भी आ गया था, तो हमने कहा गुरु जी नहीं खाते तो अपने हाथ से खिलाते हैं, तो हम लोग अब उनके सभी लोग उनको खिलाते थे, तो इतना हम लोग बार बार गुरु जी हमको हमेशा बुलाते थे, जब भी कुछ हुआ पानी चाहिए कुछ भी चाहिए तो वो कहते थे सुमन सुमन बेटे, वो नाम तो ये लेते थे सुमन रतन बोलते थे, बुला करके उनको भोजन देना है या खाने देना है कुछ ना कुछ वो कहते रहते थे, तो हम लोग देखते थे कि भाई इतना टाइम वेस्ट होता है, गुरु जी तो लेटे रहते हैं वो भी थक जाते होंगे, तो हम लोग टीवी रखता है, टीवी चालू कर देते थे, हम लोग टीवी देखते रहेंगे कुछ देर उनका मन थोड़ा ठीक रहेगा, इस तरीके से हम लोग जब बीमार हुए बहुत ज़्यादा, जब पंत जी कानपुर गए तो मैंने फ़ोन किया हमने उनको, जिस दिन बोटिंग किया पड़ा था उसी दिन उनको हम लोग भर्ती कराए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, खाना खाना है तो सिर्फ खाना नहीं खा रहे थे,
परेशानी थी, हल्का फीवर ठीक था, फिर हम लोग एम्बुलेंस बुला करके उनको शाम को उनको भर्ती करा दिया ट्रामा सेंटर में। तो अभी कहाँ, अभी ये बताइए अभी किन किन देशों से लोग आ चुके हैं अभी जो है, और कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं जिनसे बात हो गई है? श्रीलंका से गुरु जी के कौन भतीजी ना वो आए हैं, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, जापान से ये लोग आकर के, बर्मा से भी आए हैं, तो आकर के यहाँ दर्शन दिए हैं, और बाकी लोग और भी आने की उम्मीद है और आएंगे। यहाँ नहीं आए तो वो श्रावस्ती में 16 तारीख को वहाँ सब लोग पहुँचेंगे। इसीलिए हम लोग के आशीर्वाद से जितना भी है, श्रावस्ती में उन्होंने बहुत सा काम किया है। जहाँ श्रावस्ती में गुरु जी का बुद्ध विहार है वहाँ पर काफ़ी बड़ा है, वहीं पर उनको ये श्रावस्ती में किया जाएगा, अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा। 16 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, 17 तारीख को वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके बाद 18 को महासंगदान 500 भिक्षु लोगों के साथ में उनका, बाकी उपासक लोग भी रहेंगे। जी सर, नमो बुद्धाय।